दुनिया से सही है, गया क्योंकि वहां पे हमलावर इतने थे कि उनकी तो कोई गिनती कर नहीं सकता। तो वहां पे वो औरतों को, बच्चों को, सभी टारगेट बना रहे थे सर। ठीक है, और वहीं पे एक मंदिर था, तो कुछ ज्यादातर लोगों ने मंदिर के अंदर छिपके नमस्कार अपनी जान दोस्तों, बचाई। भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त की बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूँ। जानुहू में जो दंगा हुआ था, मेवात के नुहू में जो दंगा हुआ, उसकी आग की लपट, उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं बागपत में भी आकर गिरी है। यानी बताऊंगा, एक प्रदीप शर्मा नाम का एक जो युवक है हिंदू संगठन का, वहां पहुंचा था धर्म कर्म के काम को लेकर, लेकिन उसकी वहां से डेड बॉडी आई है। उस गांव में पहुंचे हैं, गांव का नाम है पानची, यानी बागपत का ये पानची गांव है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। उसके घर के हालात क्या हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको जीरो ग्राउंड पर दिखाने आया हूं। पूरी खबर को देखना और समझना कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि उसके परिजन हैं, उसके घर के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बात क्या हुई थी, क्या था पूरा मामला। ये घर है, सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये प्रदीप शर्मा का घर है। इस घर में मातम पसरा हुआ है, किस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से बचपना बीता है प्रदीप शर्मा का, वो वहां पहुंचा था और आज उसकी जो है डेड बॉडी है वो आई है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसके घर परिवार के, समाज के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ, क्या थी कंडीशन और क्या समझते हैं, और आखिर इनका दर्द क्या है, क्या प्रशासन शासन ने इनकी सुध ली है, और क्या इस बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके परिवार के जो लोग हैं सभी से बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ये जो प्रदीप शर्मा के फादर हैं, जिस तरीके से इनके आंसू बयान कर रहे हैं, यानी जवान नहीं उठ पा रही है, ये वो दर्द है कि आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं। दुनिया अब क्या करें जी, आप जैसा करोगे सरकार करेगी, हम तो सरकार जैसा फैसला लेगी, हमको उससे मान लेना। ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी, उनके परिवार के भाई हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक, क्या हुआ था, पूरा मामला हम जानना चाहेंगे जो प्रदीप के साथ हुआ है। सर, मैं और मेरा भाई, हम गुड़गांव में रहते हैं सर, वहीं पे अपना काम वगैरह करते हैं। तो वो संगठन से जुड़े हुए थे, बजरंग दल से। तो वहां पे एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जलाभिषेक हो रहा था वहां पे मंदिर में सर, नौ मेवात में पड़ता है। तो वो सारा जो एरिया है वहाँ मोमडंस का है। तो सर, ये करीब 1000 से 1200 लोग यहाँ से गए थे उधर से, तो ये इधर से चले तो गए सर। जैसे वापसी में आ रहे थे तो इनको उतार उतार के गाड़ियों से पहले पथराव किया गया। जब ये थोड़े बहुत घायल हो गए, गाड़ी रुक गई, रोक रोक के बाहर निकाल निकाल के, मतलब चिन्हित करा गया कि देखा गया कौन आदमी है कौन नहीं है, हाथों में कलावे वगैरह सारी चीजें देख के। तो उसके गले में वो था, उसका आई कार्ड था, ये भी था। तो उसको निकाल के, जो उसके साथ थे तो सब इधर उधर भग गए, डंडे पत्थर लगते रहे, तो सब इधर उधर भाग गए सर। ये उनका हाथों लग गया, उन्होंने इसके सिर में, मतलब मारने के ही नियत से एकदम डायरेक्ट उसके सिर में अटैक किया। सरिये से, रोड होती है लोहे की रोड से, रोड पे रोड इसके सिर में ही मारे चले गए वो, और इसको ले गए उठा गए। ले जाने के बाद पता नहीं, जो इसके साथ के बंदे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे फिर पुलिस फोर्स आई, हमको तो फोर्स ले गई। बाद में फोर्स को पता चला कि भाई एक बंदा हो रहा है वहां पे फंसा हुआ, तो वो इसको लेने गई। तो जब पुलिस पे उन्होंने फायरिंग कर दी, तो सर पुलिस पे जब उन्होंने फायरिंग की, तो मतलब पुलिस ने जब वापसी फायरिंग की उन पे, तो जब इसको छोड़ के गए, और उसमें सर मेरे भाई के जो बदन के कपड़े थे उन्होंने, वो उन लोगों ने वो भी चेंज कर रखे थे, क्योंकि वो अपने, मेरा भाई व्हाइट शर्ट में गया था वहां पे, और वो उसको ऐसे ही कपड़े पहना रखे थे, उसके जूते, कपड़े, पर्स, मोबाइल, सब चीजें निकाल ली थी उन्होंने, और वहीं मार के डाल दिया था। उसकी सांसें चल रही थी, तो वहां का पुलिस प्रशासन को उठा के एक वहीं के सिविल हॉस्पिटल में डाल देता है, मतलब स्वास्थ्य केंद्र तो होता है जो छोटा सबसे सा पहले आपको जानकारी मिली तो जी। क्या मिली थी, और फिर आपने कैसे करा, क्योंकि पता चला है कि जो प्रदीप है, प्रदीप जो मंदिर में कुछ महिलाएं औरतें थी उनको बचाने के चक्कर में शहीद हुआ है, हाँ जी, हाँ ये जी, बात सही है कि गलत है, हाँ किस जी, ये तरीके से बिल्कुल सही क्या? है, क्योंकि वहां पे हमलावर इतने थे कि उनकी तो कोई गिनती कर नहीं सकता। तो वहां पे वो औरतों को, बच्चों को, सभी टारगेट बना रहे थे सर। ठीक है,
और वहीं पे एक मंदिर था, तो कुछ ज्यादातर लोगों ने मंदिर के अंदर छिपके अपनी जान बचाई। तो मेरे जो भाई थे वो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, वो वहां से जैसे भागे हैं ना, तो भीड़ ने मतलब उनको आगे अड़के और पत्थर मार मार के गाड़ी रोक ली वो। तो वो जो इनको निकाला, निकाल के जो मैंने आपको बताया वो सीन कर दिया उन्होंने। तो मेरे को सर पता ऐसे चला, मुझे पहली बात तो ये पता नहीं था कि मेरे भाई वहां पे गए हुए हैं, और मेरे को उनके दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपके भाई वहां पे गए हुए हैं, उनको चोट लग गई है और आप एक बार जाके पता कर लें। तो सर मैं वहां के हालात जाने लायक तो थे नहीं, 12-44 लाख उत्ती कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी भाई था तो मैं जैसे तैसे करके हिम्मत करके वहां से गया, गाड़ी लेके हम वहां से गए। तो एक बंदा मेरे साथ और गया वहां पे, जिन्होंने मुझे बताया था। यानी वो दृश्य जो वहां का था आपने अपनी आंखों से हाँ, लाइव मैंने देखा, देखा सर, मैंने फिर क्या हुआ? वहां पे गए हम तो जाके, मतलब गाड़ियां जल रही थी रोडों पे, ईंट पत्थर सरिए कांच की बोतलें पड़ी हुई थी, जो मतलब पेट्रोल पंप होते हैं वो सारी चीजें मतलब ऐसे ही जल रही थी। पब्लिक बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहाँ फोर्स भी थी, तो सर हमें तो किसी ने कुछ बोला नहीं उस समय। मैं सिर्फ वहाँ के जो हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल, वो तलाश रहा था कि जिससे कि मेरा भाई मेरे को मिल जाए। अब मैं नाम बताता हर हॉस्पिटल में, तो बोलते कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है। अब मेरे को तो नहीं पता था कि मेरा भाई बिल्कुल उन्होंने इस हालत में कर दिया कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो एक जगह हमने उसका मतलब फोटो दिखाया था, वो बोल रहे हैं भाई हाँ अज्ञात में तो है। हमने फोटो दिखाया था, बोल रहे हैं हाँ यही बंदा है, इसको बहुत ज्यादा चोट है सिर में, और ये हमने सेक्टर 10A के लिए गुड़गांव रेफर कर दिया है। हम सेक्टर 10A के लिए गए तो वहां पे वो सीटी स्कैन होके आ रहा था, उसको लेके आ रहे थे। मतलब मौत कुल मिला के आपके भाई के उपचार के दौरान मौत हुई है। हुई सर अच्छा, जी, उपचार के दौरान मौत हुई है, क्या कहोगे सफदरजंग में। क्या कहोगे जो पूरा प्रकरण आपने देखा? आपके भैया इस दुनिया में नहीं है, क्या क्या समझते हैं कि इसमें सरकार की नाकामियां हैं या फिर किसकी कमी मानते हैं? सर सबसे बड़ी तो सरकार की नाकामी है। जब हम मतलब अनुमति ले रहे हैं किसी चीज को, हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो सरकार को सुरक्षा तो मुहैया करानी चाहिए ना। जब वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षा देंगे, जब उपद्रवी वहां पे, वो आतंकवादी हैं, उनको उपद्रवी नहीं आतंकवादी बोलेंगे हम, आतंकवादी वहां पे लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? वो मतलब योजना के तहत पत्थर डंपरों से पत्थर ट्रकों भर भर के पत्थर पहले से आ रहे हैं वहां पे, कहाँ से आ रहे हैं? वहां की मतलब पुलिस और सारी चीजें कहाँ पे थी, उनको कैसे पता नहीं चला वहां पे पत्थर आ रहे हैं? और आने जाने को रोक रोक के सिर्फ उन्हीं को क्यों मार रहे हैं वो? और भी तो पब्लिक रहती है सर मतलब वहां पे। कितने सर लोग इसमें पता लगा मेरे को मरे? जो पता लगा है, मतलब कोई तो मतलब जो मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, वहां के हालात देख के, कम से कम 200-300 आदमी तो मरे हैं कम से कम। वो सरकार इंटरनेट तो बता रही है 5-6 लोग मरे सर हैं सिर्फ। इंटरनेट सेवा बंद है वहां पे। आप उस एरिया में चले जाओगे तो आपकी कॉल भी नहीं लगेगी, नहीं आपके पास कॉल आएगी, नाम को इंटरनेट है लेकिन आपकी वॉइस कॉल भी नहीं लगेगी वहां पे। तो ये सरकार का तो काम है सर ये, ठीक है ना? बिल्कुल वहां की सरकार तो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल जीरो है। ठीक सरकार तो लगातार हरियाणा सरकार काम कर रही है, बताया गया कि 150 ज्यादा लोग चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर लिए हैं। सर, ऐसे अब गिरफ्तार करने से, अब उनको पहले गिरफ्तार करते आप, जब वो सारा काम कर रहे हैं उनको पहले गिरफ्तार करते आप। अब गिरफ्तार करने से क्या, हमारा तो सर भाई चला गया, ठीक है? एक अगर पूजा यात्रा करने में ही मतलब अगर मारा जाएगा तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सर? हम यहाँ पूजा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, बताओ आप सर? मतलब जब हमारे मतलब वहां पे मंदिर है, कहीं पे भी मंदिर है तो वहां पे पूजा पाठ तो की जाएगी ना सर, और हर साल होती है, वो जाते हैं, कभी पहले ऐसे तो नहीं होता था। अभी कैसे हो रहा है सारी चीज, जब अभी क्यों हो रहा? मतलब वो सर बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है, उन्हें नेताओं का संरक्षण है वहां पे, वहां के विधायक भी आतंकवादी हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। वो पूरे आतंकवादी हैं, वो संसद में बयान देते हैं ऐसे कि वहां पे आओगे तो हम प्याज फोड़ देंगे तुम्हारी, ये कर देंगे वो कर देंगे, खुली खुला चैलेंज देते हैं। यानी नेताओं की वहाँ संरक्षण है बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में है। कुछ और साथी इनसे जानेंगे, क्या कहोगे जिस तरीके से प्रदीप की मौत हुई आज वो इस सर, दुनिया में हम नहीं? ये चाहते हैं कि हमारे भाई, वो परिवार का वही था, करने खाने वाला, सब भाई अलग हैं, तो हम सरकार से चाहते हैं कि एक छोटा भाई है उनको सरकारी नौकरी मुहिम कराई जाए, और कम से कम हमारे चाचा जो बुजुर्ग हैं वो दिल के मरीज हैं और चाची को सुनता नहीं, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं इन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए दिया जाए और छोटे यानी भाई को आर्थिक सरकारी। आर्थिक सहायता की मांग है ये अपने आप में है, लेकिन किस तरीके से शोभा यात्रा पे जिस तरीके से हमला हुआ है, एक जवान युवक की मौत हुई है और घर में मातम है, और घर की अगर कंडीशन मैंने आपको दिखाई हो 50 से 51 गज में एक छोटा सा मकान है, 4 भाई भले ही हैं लेकिन सब अपने मजदूरी करने वाले थे, लेकिन धर्म कर्म के काम पर आज प्रदीप इस दुनिया में नहीं है। दर्द होता है सुनकर कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का जीना रुसवार हुआ है, क्या कहोगे? सर यही है जो आपने कहा है जी, हिंदुओं का सबका देखना ही पड़ता है सबके लिए, और हमारा भाई तो चला गया, जी
इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं धर्म के लिए। प्रशासन से क्या मांग रखोगे? प्रशासन से यही मांग रखेंगे हमारे भाई का जो है ये कुछ जैसे भी हो उनके लिए, उनके माता पिता के लिए। अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा दुख का विषय है और कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से। हम जीरो ग्राउंड में पांची गांव पड़ता है और छोटे से घर का छोटा सा गरीब का बालक आज इस दुनिया में नहीं है, यानी धर्म कर्म के काम को लेकर। बड़ी भयावह सी बात बताई है आपने। आपसे एक सवाल और करेंगे दीपक जी, जिस तरीके से माहौल हो रहा था, बताया गया है कि सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज आई है कि पाकिस्तान तक की जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कुछ ऐसी भी चीज आई है जो कहीं ना कहीं आहत करती है। एक पड़ोसी मुल्क का नाम लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जहां देश में आज बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी को एक विश्व गुरु के नाम से भी जाना जा रहा है और लोग तवज्जो भी दे रहे हैं, क्या क्या समझते हैं इस चीज को लेकर? सर जी देखो, ये चीज तो वहां पे अभी से नहीं हुई है, वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो शुरू से ही लगते रहे हैं, क्योंकि हम 15 साल से रहते आ रहे हैं वहां पे। तो एक क्षेत्र पड़ता है सोना, सोना को आप अगर रोड क्रॉस करो ना ऐसे लगा लो कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ना, तो वहाँ उनकी एक तालिबानी सरकार है अपनी खुद की, वहाँ हरियाणा सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों उन्हें इतना पावर है कि वहाँ पे एक आम आदमी या एक पुलिस वाला एक अधिकारी भी जाएगा ना तो वो पिट के आएगा, वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता है। वो बोलते हैं ये पाकिस्तान है, जब वो एक मतलब हिंदुस्तान के एक टुकड़े को एक राज्य को पाकिस्तान बताते हैं सिटी को, तो उनपे जब भी कार्रवाई क्यों नहीं होती सर, मतलब बता कैसे सकते हैं ऐसे। और वो शुरू से बताते आ रहे हैं और कहते हैं आगे आगे सर वो उसको मतलब एक अलग देश की भी मांग करने लगेंगे। वो बहुत बुरी मानसिकता वाले लोग हैं, प्योर आतंकवादी है सर, खुले हथियार लेके चलते हैं, मतलब ये गायें काटना, गायें चोरी करना, पत्थर चोरी करना, गाड़ी चोरी करना, उनका ये मतलब उनका प्रोफेशनल उनका काम यही है और उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है सर, यही वो करते हैं और यही करते आ रहे हैं। लोगों से मतलब कब्जा करना, वसूलना, चोरी करना, सारे गुड़गांव के अंदर सर उनकी दहशत है। यानी जो क्षेत्र मेवात बताया गया, मेवात है मैन जो ना, तो आपने देखा ये वो परिवार है, इस परिवार से बात करी है, सदस्य से बात की है, तो स्थिति देखिए आपने किस तरीके की है। यहाँ दर्द अपना अपने आप में है और लोगों की आंखों में आक्रोश भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ बागपत के प्रशासन की बात करें, प्रशासन इनके सुध ले रहा है, इनसे मिल रहा है, लेकिन कोई अभी तक किसी प्रकार के कोई बड़ा आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या कहोगे बहन जी, जिस तरीके से प्रदीप के साथ ये घटना हुई है? भाई साहब देखो, हुआ तो बुरा ही, घना ही बुरा हुआ जो मेरे भाई के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस मेरे भाई का बदला, हमें बस बदला लेना चाहिए, सरकार को इस बात का बदला लेना चाहिए मेरे भाई का। अच्छा, वैसे तो देखो जी भाई, घना ही बुरा हुआ मेरे भाई के साथ वहाँ। क्या वो जिस आपने देखा वो संगठन हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था, तो संगठन के काम से वो अक्सर जाया करता था ये बता रहे हैं, तो अपने उसके अंदर देशभक्ति की भावना लगी ज्यादा थी जी हाँ। अच्छा। मतलब जहाँ भी जावा था यो शायद जावा था। अच्छा। जहाँ भी मतलब इनकी मीटिंग हो रहती या कुछ भी हो रहा था जावा था वो। अच्छा। तो आप देख सकते हैं पूरे परिवार में किस तरीके से यहाँ माहौल है, दर्द है और इस तरीके का है कि शायद 48 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे लेकिन इनकी आंखों के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी अब सरकार कैसे इस पर कदम उठाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ प्रदीप शर्मा जो आज इस दुनिया में नहीं है, फोटो के फ्रेम में समा गया, उसके भाई ने दीपक ने आंखों देखा हाल बताया है कि वहाँ किस तरीके की अलग ही सरकार चलती है, यानी खुद हरियाणा सरकार की भी वहाँ नहीं चलती है। किस तरीके से एक शोभा यात्रा पर उपद्रवी, पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और इतना बड़ा हंगामा करते हैं, और आज पुलिस भले ही सरकार कार्रवाई की बात कर रही है लेकिन कितनी बड़ी कार्रवाई ऐसे परिवार के घर से जिसका चिराग बुझ गया, उसको क्या लाभ मिलेगा? यानी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ ये एक अपने आप में देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि प्रदीप शर्मा आज इस दुनिया में नहीं है। अब देखने वाली बात होगी इस परिवार ने हालांकि कही है कि प्रदीप को मुआवजा मिले आर्थिक स्थिति में इनके परिवार के साथ दे सरकार, अब देखने वाली बात होगी कि इनको कब कौन कितनी सहायता देगा और जो प्रदीप के हत्यारे हैं उन पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, वो वक्त बताएगा। कैमरा सीव्यू के साथ मैं देवेंद्र चौहान। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।